Hello, good morning student. How are you all? I hope you are fine. Today's subject is environment and your fifth chapter is Chotu's house, Chotu ka ghar. आप यहाँ देख सकते हो एक लड़का है. छोटू कम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम. छोटू मुंबई फर्स्ट टाइम आया है. वह किसी को वहाँ जानता नहीं ना, उसको घर की व्यवस्था है उसके पास, वो कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, उसके पास कुछ भी व्यवस्था है नहीं. अब देखते हैं छोटू कैसे मैनेज करता है अपने रहने की व्यवस्था, फिर अपने खाने पीने का, वो अपनी छोटी छोटी आवश्यकता कैसे पूरी करेगा. तो आप देख सकते हो फर्स्ट पिक्चर में छोटू मुंबई शहर में नया है. सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हो कि छोटू अपना सब कैसे मैनेज करता है. थर्ड में भी आप देख रहे हो कि छोटू एक पाइप होता है, उसके अंदर अपना घर बना के रहता है, उसी से अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है. तो यहाँ आपको अलग अलग डिफरेंट प्रकार की अलग अलग प्रकार की पिक्चर्स दी गई है अबाउट छोटू के बारे में. फिर नेक्स्ट पेपर आपका है स्टडी द पिक्चर केयरफुली. आपको यहाँ कुछ पिक्चर्स दिए गए, उनमें से आपको ऑब्जर्वेशन करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन आंसर है उनको आंसर देना है और आपकी नोटबुक में राइट डाउन करना है. जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप. जब छोटू ने पाइप को देखा तो उसने क्या सोचा. जब फर्स्ट टाइम छोटू मुंबई आया, उसने देखा मैं कहाँ रहूंगा, कैसे करूंगा, तो उसने पाइप देखा, तो पाइप को देखकर उसने क्या सोचा. हाउ डिड छोटू यूज द पाइप. छोटू ने पाइप का कैसे यूज किया. इंटू विच पार्ट डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया. छोटू ने अपने आसपास के एरियो में कौन से दो पार्टों में पाइप को डिवाइड किया, कौन से दो पार्ट में मतलब पाइप डिवाइड किया उसको बांटा. फिर इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस विल छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम. पाइप के इस घर में जो उसने घर बनाया उसको कौन से हिस्से में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना उसे अच्छा लगेगा, उस पाइप के जो उस पाइप में रहेगा वो उसमें उसने स्पेंड किया टाइम, तो उसको कौन से ज्यादा अच्छा लगेगा एरिया की उसमें ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके. व्हाई डू यू थिंक छोटू इन्वाइटेड मोनू टू. फिर जैसे लास्ट पेपर हमने पढ़ा छोटू उसके घर के बारे में, उसने अपना घर पाइप के अंदर ही बनाया और अपने फ्रेंड को मोनू को भी इनवाइट किया. ऐसे अपना नेक्स्ट पेपर है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस. आपको अपने घर की घर का हाउस है उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है इन योर नोटबुक, आपकी नोटबुक में, एंड कलर इट, और उसको कलर करना है. हु ऑल लिव विथ यू इन योर फैमिली योर हाउस. आपके घर में आपके साथ कौन कौन रहता है वो आपको बताना है. जैसे ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, पापा, मम्मी, अंकल, एंटी, ब्रदर, सिस्टर, जो जो रहता है उनके बारे में आपको यहाँ नाम लिखना है. छोटू डिवाइड द पाइप इंटू डिफरेंट पार्ट. छोटू ने पाइप को डिफरेंट पार्ट में अलग अलग किया. राइट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ योर हाउस. आपको उसके जो अलग अलग उसने डिफरेंट टाइप में किया उसको आपको उनके यहाँ नाम लिखना है. जैसे उसने बाथरूम बनाया होगा, फिर अपना रूम बनाया होगा, किचन बनाया होगा, तो आपने उसने कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया वो आपको यहाँ समझाना है. फिर आपका आता है हाउ मच टाइम इन अ डे डू यू स्पेंड इन इच पार्ट ऑफ योर हाउस. आप आपके घर के किसी भी हिस्से में कितना टाइम बिताते हो, एक हिस्से में ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम बिताते हो वो आपको बताना है. इन देयर आर एनी पार्ट ऑफ हाउस वेयर अ पार्टिकुलर मेंबर ऑफ योर फैमिली स्पेंड्स मोर टाइम. आपकी फैमिली घर के किस हिस्से में सबसे ज्यादा टाइम बिताती है, मतलब घर का ऐसा कौन सा हिस्सा है, जैसे रूम हुआ, फिर किचन हुआ, फिर हॉल हुआ, ऐसे कौन सा हिस्सा है जिसमें आपकी फैमिली ज्यादा टाइम बिताती है. इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पार्टिकुलर फैमिली मेंबर नेवर गोस और गोस फॉर अ शॉर्ट टाइम. आपके घर का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसमें कोई भी खास व्यक्ति जाता नहीं है या फिर बहुत कम जाता है, गोस फॉर अ शॉर्ट टाइम या फिर बहुत कम जाता है, मतलब कभी कभी जाता है. ऐसे किसी किसी के घर का ऐसा होता है कि जिस हिस्से में हम कभी जाते ही नहीं या फिर जाते तो बहुत कम जाते हैं, कभी कभी जाते हैं. ऐसे ही फिर आपका यू मस्ट हैव सीन डेट सम एनिमल्स ऑल्सो लिव विथ अस इन अवर हाउस. आप देखते हो कि बहुत सारे लोग होते हैं कि कुछ एनिमल्स को अपने साथ रखते हैं, जैसे डॉग हुआ, कैट हुआ, पैरोट हुआ, ऐसे कुछ एनिमल्स को लोग अपने साथ रखना पसंद.
फिर आपका आता है होम स्वीट होम। और आपको यहाँ अलग अलग वर्ड्स एनिमल्स दिए गए जो अपनी अपनी बात बोल रहे हैं, तो आइए हम रीड करते हैं। यू ऑलवेज टेल मी मदर, आप हमेशा कहती हो मैं, द हाउस बिलोंग टू ओनली अस, ये घर हमारा है। बट हाउ डू आई बिलीव दैट मदर, बट माँ मैं इसे कैसे विश्वास करूँ। वेन आई नो इट्स बिलोंग टू मेनी मोर, जबकि घर में तो बहुत लोग रहते हैं, ये पैरोट बोलता है। फिर नेक्स्ट है आपका, लुक मदर हाउ दिस माइस, मम्मी देखो ये चूहे, और आर प्लेइंग कैच के टूगेदर, ये सब एक साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। एंड लुक हाउ दिस मॉस्क्वाइटोस फ्लाई, और ये मच्छर को देखो कैसे टहल रहे हैं। एनी हाउ पीसफुल लाइज द हैप्पी स्पाइडर, जबकि यहाँ स्पाइडर भी घूम रहे हैं शांति से, मतलब यहाँ वहाँ टहल रहे हैं। फिर नेक्स्ट है आपका, एंड लुक मदर एट द लेजी लेजर्ड, और माँ ये आलसी छिपकली को देखो, हाउ स्लोली इट क्रॉल टू एंड फ्रो, ये कितना धीमे धीमे चल रही है। एंड लुक एट सो मेनी ब्लैंक आंसर, यहाँ बहुत सारी काली चीटियां हैं और मार्चिंग इन अ रो, जो सभी लाइन में चल रही है एक साथ। एंड लुक आउटसाइड इन द कोर्टयार्ड, और यहाँ बहुत पंक्षी टहल रहे हैं। द वर्ड्स आर ऑल टेकिंग अबाउट, जस्ट लाइक वेन माई सिस्टर एंड आई समटाइम फाइट क्वारल एंड साउथ, ये दोनों ये यहाँ कुछ पंक्षी आपस में झपटा झपटी कर रहे, झगड़ रहे, जैसे मैं और सिस्टर, मैं और दीदी झगड़ा करते हैं। दिस इज वाई आई से डियर मदर, इसीलिए मैं कहता हूँ माँ, डोंट थिंक दिस हाउस इज ओनली अवर्स, इसीलिए यह घर हमारा ही नहीं है, इट्स डियर टू अस एंड ऑल हु लिव हियर एंड हैव बीन लिविंग फॉर मेनी इयर्स, जो बहुत सालों से यहाँ रह रहे, सदा सदा यहाँ रह रहे, ये घर उन सबका भी है। फिर नेक्स्ट आपका आता है, ड्रो पिक्चर ऑफ एनी टू एनिमल्स दैट लिव इन योर आवर हाउस अनइनवाइटेड, जो तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे घर में रहते हो, ऐसे टू एनिमल्स का आपको पिक्चर ड्रॉ करना है, राइट देयर नेम, और उनका नाम लिखना है, ड्रॉ द पिक्चर, पिक्चर पे से उनका आपको नाम लिखना है जो आपकी बिना मर्जी के आपके घर में रहते हो। फिर आपका आता है, डू यू कीप योर हाउस क्लीन, हाउ आप अपना घर साफ रखते कैसे, तो आपको बताना है आप अपना घर साफ कैसे रखते हो, आपको घर की साफ सफाई में कौन कौन आपकी हेल्प करता है। फिर आपका आता है, हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन, आपका घर साफ रखने में आपकी कौन कौन मदद करता है। वेयर डू यू गो टू फ्रेश अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह फिर आपका यहाँ आता है, इज द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन, क्या आपके आसपास, आपके घर के आसपास का एरिया क्लीन देता है। डू यू यूज योर टॉयलेट इन और अराउंड योर हाउस, आप अपने घर पे टॉयलेट का यूज करते हैं, हु क्लीन इट, उसको कौन क्लीन करता है, उसकी साफ सफाई कौन करता है। हाउ डू यू हेल्प इन कीपिंग इट क्लीन, आप आपके घर के शौचालय को क्लीन करने के लिए कैसे मदद करते हो। फिर है यूज ऑफ टॉयलेट, टॉयलेट का उपयोग मतलब बाथरूम का उपयोग। सिमी नोटिस दैट हर फ्रेंड बिल्लू वॉज गेटिंग अनकम्फर्टेबल, ही वॉज नॉट टॉकिंग टू हर, सिमी ने नोटिस किया, महसूस किया कि उसका फ्रेंड बिल्लू अनकम्फर्टेबल है, वो उससे बात नहीं कर रहा था सही से, तो सिमी ने उससे पूछा, बिल्लू व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, यू लुक सो डल, तुम बहुत सुस्त दिख रहे हो। तो बिल्लू ने कहा, आई डोंट नो हाउ टू यूज द टॉयलेट प्रॉपरली, टॉयलेट का यूज कैसे करते मुझे यूज करना नहीं आता। हीरा मैम वुड बी ऑन हर राउंड एंड अगेन सी वुड स्कॉल्ड मी एज यूजल फॉर नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली, हीरा मैम मुझे फिर से डांटेगी, स्कॉल करेगी, मुझे डांटेगी कि तुमने तुम्हें टॉयलेट का यूज करना नहीं आता, मुझे वापस से डांटेगी कि मैंने टॉयलेट में गंदगी की। सिमी ने कहा, व्हाई डोंट यू यूज द टॉयलेट प्रॉपरली देन, तो तुम टॉयलेट का उपयोग क्यों नहीं कर पाते सही से। बिल्लू ने कहा, आई एम स्कार्ट दैट आई वुड फॉल इन द टॉयलेट पिट, हाउ स्टूपिड, एंड नाउ आई नो इट इज यू एंड मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक यू हु मेक अवर टॉयलेट सो डर्टी, वाई नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली, डोंट बी स्कार्ट बी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिमी ने कहा, तुम कैसी बेवकूफों वाली बात करते हो, हाउ एंड नाउ आई नो इट्स यू, कि तुम हो और ऐसे कई फ्रेंड होते हैं कि
हमें टॉयलेट को गंदा नहीं करना चाहिए, ये एक हमारी जवाबदारी बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें टॉयलेट का सही उपयोग करना चाहिए, हमें उसे गंदा नहीं करना चाहिए। फिर आता है लेट अस हाउ सी हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल, आओ देखते हमें कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी निभानी चाहिए, कैसे रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। जैसे यूज द टॉयलेट बाय सिटिंग प्रॉपरली, जो टॉयलेट सीटिंग होती है उसका हमें प्रॉपर यूज करना चाहिए। ऑलवेज फ्लश, हमें हमेशा फ्लश टॉयलेट करने के बाद फ्लश करना चाहिए वाटर आफ्टर यूज, और पानी यूज करना चाहिए। वॉश योर सेल्फ प्रॉपरली, हमें खुद को अच्छे से साफ करना चाहिए। वॉश योर हैंड थॉरली, और हमारे हैंड अच्छे से क्लीन करने चाहिए। फिर आपका आता है डिस्क्राइब द टॉयलेट एरिया इन योर स्कूल, आपकी एरिया की जो स्कूल है उसमें टॉयलेट है वो उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। इज इट क्लीन, क्या क्लीन रहती है। हु क्लीन इट एंड हाउ, उसे कौन क्लीन करता है और कैसे। हाउ डू यू हेल्प इन इट, आप कैसे हेल्प करते हो स्कूल के टॉयलेट को क्लीन करने में। फ्रॉम नाउ विल यू यूज द टॉयलेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही लेफ्ट इट क्लीन आफ्टर इट्स यूज एंड वॉश इज हैंड, अब विल्लू प्रयोग के बाद उसे टॉयलेट यूज करना आ गया। ही लेफ्ट इट क्लीन, वो वॉशरूम में जाने के बाद क्लीन करता है उसे एंड वॉश हिज हैंड, और खुद के हैंड को भी वॉश करता है। डू यू लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वॉन्ट इट फॉर योर सेल्फ, क्या आप भी टॉयलेट जाने के बाद उसे ऐसा ही छोड़ देते हैं या फिर उसे क्लीन करते हो। एंड इज द टाइम वेन यू वॉश हैंड, आप अपने हैंड कितने बार वॉश करते हो। वेन डू यू थिंक योर हैंड्स गेट डर्टी, वेन ऑल डू यू नीड टू कीप योर सेल्फ क्लीन। फिर लास्ट पेज पे आपका है व्हाट विल हैपन इफ वी डू नॉट डू द अबव, यदि हम ये सब नहीं करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। हम अपने नाखून नहीं काटेंगे, नहाएंगे नहीं, ब्रश टीथ नहीं करेंगे, तो ये साथ क्या होगा हमारे साथ, आपको बताना है। लुक हाउ ब्यूटीफुल लता हाउस इज डेकोरेट, आप यहाँ देख सकते हो कि लता का हाउस कितना सुंदर लग रहा है डेकोरेट करने के बाद, सजाने के बाद। इज देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस, आप कोई भी स्पेशल डे या फिर कोई भी फेस्टिवल होता होगा तो आप अपना घर डेकोरेट करते हो। वेन एंड हाउ, कब करते हो अपना घर डेकोरेट और कैसे करते हो, तो आपको यह बताना है कि कौन कौन सी चीजों का यूज करते हैं, जैसे रंगोली और फिर बहुत सारी चीजों का हम यूज करते हैं हमारा घर डेकोरेट करने के लिए। फिर आस्क योर फ्रेंड वेन एंड हाउ दे डेकोरेट देयर हाउस, अपने फ्रेंडों से पूछना है वे अपना घर कैसे डेकोरेट करते हैं और कब करते हैं। नेम द थिंग्स विथ विच यू डेकोरेट योर हाउस, आपको उन चीजों का नाम लिखना है जिस जिस चीजों से आपने अपने घर को डेकोरेट किया है या फिर करते हो कोई फेस्टिवल।